सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीरात खड़े हो रहे हैं, आज तक का है मनी ट्रेल कहीं नहीं। एमनेस्टी हो तो लीमा का एमनेस्टी बजट पर आप खामोश, हमारा जीना हराम कर देता अगर हम ऐसे काम करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात एहसन रिजवी ने भगौड़े दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान को तहरीक इंसाफ का सहूलतकार करार दे दिया। एहसानुल्लाह एहसान की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जान से मारने की धमकी देने के जिम्मेदार वजीर दाखिला इजाज शाह और वजीर आजम इमरान खान है, जिन्होंने एहसानुल्लाह एहसान के फरार में मदद की। जियालों ने माजी में भी अपनी जानें कुर्बान करके अपनी कयादत का तहफ्फुज किया और अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिफाजत जानसार बिलावल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि अवामी इशूज़ पर कौमी असम्बली के अंदर भरपूर बोले और अपनी एहतजाज की सदा बुलंद की, उन पर पहले तो बदतमीज़ ब्रिगेड को छोड़ दिया गया, अली जैदी, फैसल वाडा, मुराद सईद और उसके बाद अब गुलकार सलमान अहमद और इस तरह के कई जो नमूने हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी पे तोहमत लगाते हुए और बहतान तराशी करते हुए नज़र आते हैं, जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन तमाम चीज़ों के कतः नज़र अपनी आवाम के लिए हिमायत को जारी रखा हुआ है। एक नई डेवलपमेंट और बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मफरूर तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुदा ना खासा जान से मार देने की धमकी दी है। ये धमकी उन्होंने एक अपने ऑफिशियल अकाउंट से दी है, जिसमें उन्होंने उनको कहा है कि हम तुम्हारा हशर भी तुम्हारी माँ जैसा कर देंगे और तुम्हें अपनी माँ के पास पहुँचा देंगे। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ के सियासी विंग बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों का जवाब ना दे सके तो तहरीक इंसाफ के अस्करी विंग ने एहसानुल्लाह एहसान को इस्तेमाल करके बिलावल भुट्टो जरदारी को ये तड़ी लगवाई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को डराना या धमकाना एक अहमकाना कोशिश है, लेकिन इस कोशिश से साबित होता है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट किस कदर बेचैनी से बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पे, बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज़ को दबाने के लिए बेचैन हुई हुई है। और ये बेचैनी सिर्फ़ और सिर्फ 18वीं तरमीम की वजह से है। जब 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोई राह नज़र नहीं आई तो मौजूदा हुकूमत ने एहसानुल्लाह एहसान का सहारा लिया और एहसानुल्लाह एहसान को भगाने वाली हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी को एहसानुल्लाह एहसान के ज़रिए ये धमकी लगवाई है। हम जियाले इस बात का अहद करते हैं कि हम अपनी जानों पर खेल के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिफाजत करेंगे। हम जानसारे बेनज़ीर भुट्टो, हम जानसारे आसिफ अली जरदारी, हम जानसारे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। किसी भी एहसानुल्लाह एहसान को, भुट्टो ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान पहुंचाने से पहले खुदा ना खास्ता हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखला एजाज शाह को, वज़ीर आज़म इमरान न्याजी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने अस्करी विंग, अपने सियासी विंग एहसानुल्लाह एहसान को लगाम डालें, अपने बदतमीज़ ब्रिगेड को लगाम डालें, और अगर ये लगाम नहीं डाली गई तो जियालों को ये लगाम डालना बहुत अच्छी तरह से आती है। शुक्रिया।